हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रहा हूँ लिपिकाइंड एफ टैबलेट के बारे में। आज हम बात करेंगे कि इसके फ़ायदे क्या हैं, इस दवा को खाने का सही तरीका एवं डोज क्या है, इस दवा के इस्तेमाल के दौरान कौन कौन से सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो में स्टेप बाई स्टेप इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो बने रहें हमारे इस चैनल दवा जानकारी दोस्त पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हम आपके लिए इसी तरह की और भी दवाओं की जानकारी लेकर आते रहें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में कि इसमें कौन कौन से कंटेंट मिले हुए हैं। तो इसमें एटोरभास्टेटिन 10 mg और फेनोफाइब्रेट 160 mg मिला हुआ है। और इसका कंपनी के बारे में बात करें तो इसे माइकाइंड फार्मा लिमिटेड कंपनी ने बनाती है, जो बहुत ही अच्छी कंपनी है। और इसका MRP के बारे में बात करें तो इसका MRP 89.90 रुपया है, जो 10 टैबलेट के एक स्ट्रिप में आता है। और अब बात करते हैं इसके फ़ायदे के बारे में कि इस दवा का इस्तेमाल कौन कौन से बीमारियों में किया जाता है। तो लिपिकाइंड एफ टैबलेट का इस्तेमाल हार्ट अटैक और हार्ट कोलेस्ट्रोल के इलाज में उपयोग किया जाता है। यह दवा हृदय रोग के खतरों को कम करने में मदद करता है। और अब बात करते हैं कि इस दवा को खाने का सही तरीका एवं डोज क्या है। तो लिपिकाइंड एफ टैबलेट को भोजन के साथ या खाली पेट भी लिया जा सकता है। आप दिन के किसी भी समय इसे ले सकते हैं, लेकिन प्रत्येक दिन इसे एक ही समय पर लेने की कोशिश करें। और अब बात करते हैं इस दवा के इस्तेमाल के दौरान कौन कौन से सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। तो इस दवा के इस्तेमाल के दौरान अधिक वसा वाला आहार लेने से बचें, दवा का कोई खुराक न छोड़ें और इलाज का पूरा कोर्स ख़त्म करें। यदि पेशेंट की स्वास्थ्य से जुड़ी और भी कोई समस्या या पहले से कोई दवा चल रही हो तो आप अपने डॉक्टर को अवश्य बताएँ और उन सभी दवाओं के बारे में भी बताएँ जो पहले से ले रहे हैं। इस दवा का सेवन करते समय आपको समय समय पे लीवर फंक्शन टेस्ट कराने की सलाह दी जा सकती है। इसे लेने से पहले अगर आपको किडनी लीवर से जुड़ी कोई समस्या हुई हो या गर्भवती या स्तनपान कराने वाली कोई महिला हो तो आप अपने डॉक्टर को इसके बारे में अवश्य बताएं। इस दवा का सेवन अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही करनी चाहिए, क्योंकि आपके डॉक्टर पेशेंट की स्थिति एवं बॉडी वेट के हिसाब से दवा का सही खुराक निर्धारित करते हैं। और अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो यदि इस दवा को सही तरीके एवं सही खुराक में लिया जाए तो इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कम देखे जाते हैं, जैसे मिचली आना, पेट में दर्द, पेट फूलना, सिर दर्द इत्यादि इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।